सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर वेलकम वंस अगेन। अपने घरों से आप इस वक्त हमें देख रहे होंगे या फिर अपने घरों में आप हमें सुन रहे होंगे, बिकॉज़ रेडियो इज ऑलवेज ऑन। सिंस महाराष्ट्र वेंट टू अ लॉकडाउन, अ सेमी लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन एंड नाइट कर्फ्यू मोड, हमारे केसेस फिर भी लगातार बढ़ते जा रहा है। महाराष्ट्र इज द अपेरेंटली लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ कोविड केसेज इन द कंट्री। हमारे साथ असलम शेख जी हैं, ही इज अ मेंबर ऑफ द महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली बट ऑल्सो ही इज आवर सिटीज गार्डियन मिनिस्टर। आई लव दैट रोल, ओनली नाम ही कितना अमेजिंग है। वेलकम टू द शो असलम शेख जी। थैंक यू वेरी मच मलिस्का, आई एम ग्लैड आप मेरे शो पर हैं। आप सुनते हैं कि नहीं मुंबई में रहकर? अगर आप नहीं सुनते तो मैं रोने लग जाऊंगी। इसलिए मेरे ऐसा है कि मुंबई में आपको कोई नहीं सुना ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि गाड़ी का सफर आपके बगैर होता ही नहीं ना पूरा। और अब जब घर पे बैठे तो अब तो ज्यादा ज्यादा आपको और हमको लोग सुनने के लिए परेशान होंगे कि आप क्या पूछेंगे और मैं क्या बोलूंगा और आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। ऑलराइट, पहले तो हमें बताइए कि रीसेंट फिगर्स क्या है महाराष्ट्र में। देखिए आज की तारीख में देश के 62% केसेस जो है वो महाराष्ट्र से है, जिसको हम बिल्कुल नकारते नहीं है। हमारे केसेस बढ़ रहे हैं लेकिन हमने टेस्टिंग बंद नहीं की, हम फेस कर रहे हैं। जो भी पेशेंट्स आ रहे हैं उनको राउंड द क्लॉक 24 आवर्स हमारे जो बीएमसी के वार्ड ऑफिसेज है राउंड द क्लॉक कॉल सेंटर से उनको मॉनिटर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास आज भी हर जितने जेम्बो सेंटर्स हमने शुरू किए थे सब में हमारे पास आईसीयू अवेलेबल है, हमारे पास वेंटिलेटर अवेलेबल है, डायलिसिस वेंटिलेटर अवेलेबल है, अलग अलग तरीके से लगने वाली वो सारी चीजें हमारे पास आज भी कम नहीं हो रही। स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हमने इसलिए लाए कि केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और ये चेन हमें तोड़ना है। इसे हम कर्फ्यू का नाम नहीं दे सकते क्योंकि बसेस चालू है, रिक्शा चालू है, टैक्सीज चालू है, ट्रेन चालू है, एसेंशियल सर्विस चालू है। आने वाले दिनों में हम और भी क्या चीज खोल सकते हैं उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। कुछ व्यापारी हमारे पास आ रहे हैं उनके ऊपर सोच के सरकार विचार करेगी कि अगर कोई होलसेलर है जिनके पास ज्यादा गर्दी नहीं होती है वो भी शायद हम आगे शुरू कर सकते हैं। लेकिन मनीष का एक बड़ा सा प्रश्न मैंने मेरे टास्क फोर्स से कहा है और अपने आप से भी पूछता हूँ और आपसे भी ये जानना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में ही क्यों इतने केसेस आ रहे जबकि देश भर में आप देखेंगे कि हजारों लाखों की संख्या में चुनाव में लोग जमा हो रहे हैं और वहां पे केसेस नहीं आ रहे और महाराष्ट्र में। तो मेरे टास्क फोर्स को मैंने कहा कि आप जो है आईसीएमआर और डब्ल्यूएचओ से जरा संपर्क करिए और बताइए कि ऐसा क्या है महाराष्ट्र में कि यहाँ ही केसेस ज्यादा आ रहे। शेख साहब, जो सवाल मैं आपसे पूछने वाली थी वो आपने मुझसे पूछ लिया, अब हम कैसे इसका जवाब दें? बहुत डीप और गहरा जवाब होगा इसका, बट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड मैं आपसे पूछना चाहती हूँ एज अ गार्डियन मिनिस्टर फॉर द सिटी, व्हाट एग्जैक्टली आपका रोल क्या बनता है? देखिए मुंबई शहर का पालक मंत्री होने के नाते मैंने सबसे पहले ये देखा कि लोगों की जान किस तरीके से सुरक्षा की जाए। साइमल्टेनियसली सरकार ये भी देखी कि भाई अब अगर हम गाइडलाइंस स्ट्रिक्ट करने जा रहे हैं, एसओपी स्ट्रिक्ट करने जा रहे हैं, पिछले 2.5 महीने से मुख्यमंत्री जी और हम सब मिलकर कह रहे हैं लोगों से अपील की, लोगों पे कार्रवाई की, लोगों को चेतावनी दी, लोगों को डराया, लेकिन उसके बावजूद लोग कहीं ना कहीं पे सरकार का साथ नहीं दे रहे थे। ये आपने देखा होगा तमाम चैनल्स पे, चाहे वो सब्जी मंडी हो, चाहे वो जू बीचेस हो, चाहे ओपन स्पेसिस हो, चाहे गेटवे ऑफ इंडिया हो, चाहे रेस्टोरेंट्स हो, चाहे मॉल्स हो, ये सारी चीजें हमने क्यों खोली थी कि लोग इसका जो है उपयोग करें ताकि बिजनेस इंडस्ट्री ना खत्म हो और जिसके जो छोटे मोटे प्रोग्राम है जैसे किसी की शादी होनी है वो कितने डिले की जाए, वो दूल्हा दुल्हन कितने परेशान होंगे। इसलिए हमने एक छोटी सी नंबर्स में जो है उसको एसओपी तैयार की कि भाई 50 आदमी के साथ आपको शादी कर लेनी चाहिए या अगर बर्थडे पार्टी हो, तो उस तरीके से उसको कोई फॉलो नहीं हो रहा था। तो इसलिए रिस्ट्रिक्शन इतना हमने कड़क लाया। आज लोग कहते हैं कि भाई इससे हमें परेशानी हो रही, परेशानी तो होगी लेकिन आप अगर ये सोचिए कि अगर घर में आपके पेशेंट्स आता है और आपको अगर कहीं पे हॉस्पिटल में जो आपके चॉइस का नहीं मिलता है तो आप फिर 10 जगह यही कहते हो कि भाई हमें एडमिशन नहीं मिल रहा है, हमें एडमिशन नहीं मिल रहा है, और इस तरीके से जो है एक वातावरण तैयार होता है जो कहीं ना कहीं सरकार को बदनाम या हमें कहीं बैड फेम में दिखाने का काम करता है। सर आप इसको पॉलिटिकल ना बनाए प्लीज, क्योंकि बहुत मायनों में ये सही है। बहुत सारे लोग अपने बिजनेसेस की बातें कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने डेली वेजेस की बातें कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। लाइक फॉर एग्जांपल कल तक रेस्टोरेंट ओनर्स, बार ओनर्स मुझसे संपर्क कर रहे थे बिकॉज दे वर लाइक यू नो टॉक अबाउट दिस टू द गवर्नमेंट की इसकी वजह से हम पर बहुत मार पड़ रही है, क्योंकि हर कुछ समय में अगर चीजें बंद हो जाती हैं तो हमारे बिजनेस पर नुकसान पहुंचता है। प्लान्स जो हमने बनाए, दिस इज आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट रेस्टोरेंट्स एंड बार्स, बट दीज आर द स्मॉलर वंस। सामान्य बिजनेसमैन, वेदर इट्स अ एनीवन यू स्पीक टू, ठेला वाला हो या डायमंड बनाने वाला हो, एवरीवन हैज रीच्ड आउट टू मी बिकॉज मुंबई की रानी एंड ऑल, बट आई वांट टू अंडरस्टैंड कि ये
ठीक है, आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस क्यों हैं, बट अब हैं, वॉट एवर इट इज दिखाया जा रहा है, प्रोजेक्टेड है, विच एवर वे है, क्या हम बार बार लॉकडाउन नाइट कर्फ्यू के मोड में चले जाएंगे? एंड डज रियली दिस नाइट कर्फ्यू हेल्प? देखिए मनीषा जी, आपको एक चीज समझना होगा, क्योंकि आप मुंबई की रानी है, तो रानी जैसा सोचिए, प्रजा का ध्यान जैसे हमें रखना है, आपको भी सही सही लोगों तक का जो है कॉन्फिडेंस दिलाने का काम, जितनी जवाबदारी हमारी है उतनी आपकी है। लेकिन देखिए, ये हमने शुरुआत क्यों की, नाइट में कोरोना नहीं आएगा इसलिए नाइट लॉकडाउन नहीं किया, ये लोगों को एक इंटीमेशन था कि देखिए इस तरीके से आगे कार्रवाई कड़क हो सकती है। यानी लॉकडाउन का मतलब ये था कि रात रात में, अभी आपने देखा होगा कि कई पब्स के वीडियोस आ गए कि जो नॉब्स लॉक कर रहे थे, और कुछ ऐसे जो रेस्टोरेंट्स थे जो ओवरक्राउडेड हो रहे थे। अब इनको मैसेज देना था, पब्लिक को मैसेज देना था कि भाई देखिए नाइट कर्फ्यू लगा रहे, इसके बाद दिन में भी इस तरीके के प्रोविजन किए जा सकते हैं, दिन में भी इस तरीके से कार्रवाई की जा सकती है। हम रुके, हफ्ता भर रुके, 10 दिन रुके, लेकिन कहीं पे भी जो है पब्लिक की अफरा तफरी कम नहीं। मैं खुद एज ए पालक मंत्री मार्केट्स में गया, मैं दादर की फल मार्केट में गया, मुंबई शहर की मार्केट में गया, मैंने लोगों को समझाने के लिए गया। मैं तो भाजी खरीदने तो नहीं गया था, मैं लोगों को ये समझा रहा था कि भाई इस तरीके से अगर आप भाजी खरीदोगे तो भाजी के साथ जो है कोरोना भी घर में ले जाओगे। अगर आपने अपने आप को सही नहीं संभाला, हर चीज सरकार को ही दोगे दोष तो नहीं चलेगा। ये लड़ाई एक ऐसी लड़ी है कि हम सबको मिलकर लड़ना होगा। तो उसी तरीके से हमने नाइट कर्फ्यू किया, फिर आज भी हमने रिस्ट्रिक्शन कड़क किए, हमने कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया कि हम रात को आए और बोल दिए कि भैया सुनो कल से लॉकडाउन, हम नहीं जानते कुछ, ऐसा नहीं है। क्योंकि मुंबई शहर एक ऐसा शहर है, आज भी यहाँ पे 1,00,000 मजदूरों से ज्यादा जो है वो छोटी छोटी होटलों में खाना खाता है, वो जो है रेस्टोरेंट्स में जाता है, बटियार खाने में जाता है, यानी माइग्रेंट्स वर्कर हमारा मुंबई शहर में बड़ी संख्या में। हमने कोई रेस्टोरेंट्स में रिस्ट्रिक्शन लाया, इनफैक्ट हमने टेक अवे पार्सल तो थ्रू आउट नाइट में कर दिया है। और ये अभी अभी का फरमान है, उससे पहले 2-3 दिन पहले वैसे नहीं था, एंड एवरीवन पैनिक्ड वेरी बैडली। विदिन 48 आवर्स हमने ये टुक दिस डिसीजन। जस्ट इमेजिन, वी कम अप विद वन एसओपी, वी कम विद द गाइडलाइंस, एंड इमीडिएटली इफ समबडी इज गिवन एज अ गुड ऑप्शन वी आर कंसीडरिंग इट, वी आर नॉट एडमेंट कि नो नो वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो दिस। हमने उनकी सुझाव को लिया और उसको अपनाया। आने वाले दिनों के अंदर भी इस तरीके से, अब मैं कल कपड़े व्यापारियों से मिला, मैं कल पाइप के जो होलसेल डीलर से, दे आर 7,000 शॉप्स इन मुंबई, उनसे बातें की, और मैंने होटल वाले जो थे वो फैम वाले आए तो उनसे भी बात की। मैंने उनसे कहा कि आप भी एक सोल्यूशन लेके आइए कि किस तरीके से हो सकता है, और किस तरीके से, देखिए आपका धंधा बंद होगा तो सबसे ज्यादा नुकसान तो हमारा ही होगा, हमारे को टैक्सेस नहीं मिलेंगे तो हम डेवलपमेंट कैसे करेंगे, हम आगे जो है राज्य को कैसे ले जाएंगे, आपको परेशान करने में हमें आनंद मिलता है ऐसा तो कुछ नहीं है। तो उनके साथ बैठ के हमने काफी हद तक चर्चा की और कुछ हद तक अब वहाँ आने वाले दिनों में हम डेफिनेटली कैबिनेट में और मुख्यमंत्री साहब के साथ, मुख्यमंत्री साहब ने खुद जो है वीसी लिया, सारे व्यापारियों से उन्होंने बात किया, कई रिस्ट्रिक्शन और हम रिलीज करने वाले हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मलेशिया हम सबको मिलकर थोड़ी सी जवाबदारी लेनी होगी। जैसे आज आप घर पे बैठ के हम काम कर रहे हैं, अगर एक हमारे पास इस तरीके का काम करने का एक प्रोविजन है तो हमें करना है। जी सर, व्हाट अबाउट वैक्सीन्स एंड वैक्सीनेशंस, क्या हमारे पास इनफ है? बिकॉज एवरी डे देयर इज अ कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट, क्योंकि महाराष्ट्र ने कहा है कि हमारे पास वैक्सीन्स नहीं है, मगर ऊपर से जवाब आता है कि जितना जिनको जरूरत है वो उनको दिया गया है। सो व्हाट इज दिस कॉन्फ्लिक्ट, व्हाई आर वी सेइंग वन थिंग एंड व्हाई आर वी हियरिंग अनदर थिंग? सो लेट इट गो दिस वे, व्हेन द कोरोना वाज नॉट मच इन मुंबई एंड महाराष्ट्र, दैट टाइम लॉट ऑफ वैक्सीनेशन वाज गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू अस। जी, यानी एकदम एक सरल लाइन में आपको बताता हूँ। जी जी, जो वैक्सीनेशन केंद्र सरकार से आई, और वैक्सीनेशन केंद्र सरकार से आती है, सारी गाइडलाइंस भी केंद्र सरकार देती है, इंजेक्शन किसको लगाना है, कितने साल वालों को लगाना है और किस मात्रा में लगाना है। तो वैक्सीनेशन हमारे पास पहले ज्यादा क्वांटिटी में आई, फिर कहा कि हम लोग कम वैक्सीनेशन दे रहे हैं, तो हमने मुंबई में जगह 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 पे जो है सेंटर्स खोलने का काम किया। हमें पता था कि हमने अगर ज्यादा सेंटर्स खोल दिए तो कल अगर वैक्सीनेशन कम आई तो फिर लोग जो है हमारे वैक्सीनेशन सेंटर में आएंगे और हम पे दबाव ये बनेगा, और आज वही स्थिति आई। पहले इन्होंने वैक्सीनेशन भेजा, आज हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं केंद्र सरकार से कि भाई आप हमें जो है वैक्सीनेशन दीजिए, क्योंकि आप ही के बोलने के हिसाब से हमने इतने सारे सेंटर्स खोल दिए, अब जो है हमारे पास 2 या 3 दिन का कोटा है, उसके बाद हम क्या करेंगे। फिर हमने ये कहा कि भाई वैक्सीनेशन जो है आप हमें जहाँ पे जो एरिया हमें आइसोलेशन करना पड़ रहा है या सील करना पड़ रहा है, जहाँ पे ज्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं वहां पे हमें एज लिमिट मत दीजिए,
अगर एक घर में कोई 35 इयर्स का भी है, 30 इयर्स का भी, तो उसको भी वैक्सीनेशन देने का हमें थोड़ा सा अधिकार हम दे दें। तो उन्होंने वो अधिकार तो हमें नहीं दिया, लेकिन आज हमें वो अधिकार नहीं दिया, लेकिन आप गुजरात में आप जाके देखिए, गुजरात में वहां के जो यूथ है उनको दिया। मैं गुजरात और मुंबई या महाराष्ट्र की बात नहीं करता हूं, मैं ये कहता हूं कि केंद्र सरकार ने ये समझना चाहिए कि पूरा देश उनका है और पूरे देश में पहली प्रायोरिटी हो जी हमारे नागरिक होनी चाहिए। आज हमने जितने इंजेक्शन हमारे देश में वैक्सीनेशन लगाई है उसके कम या ज्यादा जो है वो हमने विदेशों में देने का काम किया है। हमने इस वक्त हमारा परसेप्शन बनाने से ज्यादा हमारे देश के लोगों की जान बचाना ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अमेरिका को देखिए आपने, अमेरिका ने 2% भी अपना वैक्सीनेशन दूसरे देशों को नहीं दिया। फर्स्ट प्रायोरिटी उन्होंने रखी वो अपने नागरिकों के लिए रखी, अपने जो देश में रहने वाले उनके लिए रखी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे भी देश में यही प्रिंसिपल होना चाहिए था, हमारे जो हिंदुस्तानी उनको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। तो आपको लगता है ऐसे नहीं हो रहा है, मतलब हमें नेसेसरी है मगर हमने ज्यादा बाहर भेज दिया? आई एम नॉट पुटिंग एनी एलिगेशन, दे माइट बी हैविंग देयर ओन रीजन फॉर गिविंग इट टू बांग्लादेश और पाकिस्तान और व्हिचएवर कंट्री। आई एम नॉट सेइंग, सी दैट इज आल्सो ह्यूमैनिटेरियन, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि पहली प्रायोरिटी हमारे देश की जनता होनी चाहिए कि हमारे लोग। आज हमारे देश में अगर कोरोना की संक्रमण ज्यादा नहीं बढ़ता और आप दूसरे देशों को वैक्सीनेशन देते तो वी वुड वेलकम दैट, लेकिन आज हम यूएस के पैरा जाने लगे। 1 लाख पेशेंट पूरे देश में निकल रहा है, इसको तो मानोगे नहीं, इसको तो नकार नहीं सकते। तो जब हमारे देश में इतने ज्यादा कोरोना के पेशेंट निकल रहे हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन पहले हमारे लोगों को बचाने के लिए देना चाहिए, ऐसा मेरा सोच है। मेरी भी सोच है यही कि प्लीज दे दो। आई एम वंडरिंग कि अब इसके बाद क्या आप लोग पूर्ण लॉकडाउन करने का सोच रहे हैं? बिकॉज लाइक यू कीप सेइंग कि भाई महाराष्ट्र में वी सी द मोस्ट नंबर ऑफ केसेस, गोवा के सीएम ने तो बोल दिया है कि हम वहां पर अब ऐसा नहीं करेंगे, बिकॉज ऑफ कोर्स मॉनेटरी लॉसेस, इकोनॉमिक लॉसेस, इट्स नॉट बेरेबल फॉर अ सिटी लाइक मुंबई, महाराष्ट्र तो, बट अ सिटी लाइक मुंबई जहां पर लोग अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आते हैं। बहुत सारे लोग इससे पहले के लॉकडाउन फेज में भी आपको पता है कि अपने घरों को निकल रहे हैं, वेदर इट्स रेंट्स और वेदर इट्स माइग्रेंट वर्कर्स, वेदर इट्स डेली वेज ऑनर्स, सबको बहुत तकलीफ हो रही है। आधा तो डर के मारे ही दे विल गो, लाइक हमारे बिल्डिंग में लोगों के घर के काम रुक गए फॉर एग्जांपल, बिकॉज पीपल वांट टू गो बैक टू देयर होम्स कि पता नहीं तुम्हारे शहर में क्या होगा, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग। सो इज कंसिडरिंग के मुंबई महाराष्ट्र के केसेस हमने कभी कम होते देखे, इट्स ऑलवेज ऑन एन अपस्विंग एज कम्पेयर टू अदर सिटीज इन द कंट्री, आर यू गोइंग टू कंसिडर अ फुल लॉकडाउन? मलेश्का जी एक बात आपको समझनी होगी कि मुंबई शहर एक ऐसा शहर है, उसका अगर आप ज्योग्राफिकल मैप देखोगे तो पूरे एशिया के वर्ल्ड में ऐसा नहीं मिलेगा। जैसे आप अगर मुंबई शहर के स्लम्स पकड़ लो, चाहे फिर वो धारावी हो, गणपत पाटिल नगर हो, मालवनी हो, घाट के ऊपर हो, मुलुंड, इसमें आपको एक चीज दिखाई देगी कि यहाँ पे कॉमन पाइपलाइन है, वाटर टैप है, इसमें कॉमन टॉयलेट है, यानी एक टॉयलेट को 5-5, 10-10 परिवार यूज करता है। मुंबई शहर को इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक का पूरा स्लम्स डेवलप नहीं हुआ है, उसके बावजूद जो महानगर पालिका ने और जो गवर्नमेंट ने काम किया उसकी उसको सम्मान, मतलब उसका प्रोत्साहन जो है वो ICMR ने भी किया और WHO ने भी उसका कौतुक किया कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जिस तरीके से काम किया, यही पैरामीटर जो है बाकी के देशों ने भी इसको अपनाना चाहिए कि ऐसी परिस्थिति में भी उन्होंने धारावी को एक अच्छे सिस्टम में ले आया। केसेस अब बढ़ रहे हैं, वी डोंट डिनाई, लेकिन लॉकडाउन करके हमारा फायदा होगा क्या? मैंने आपसे भी कहना बिल्कुल नहीं करना होता तो हम इससे 3 महीना पहले कर लिए थे, इससे थोड़ा सा केसेस बढ़ा तो लोगों ने लॉकडाउन कर दिए। आज हमें लॉकडाउन की मानसिकता बिल्कुल नहीं है, सरकार 3 महीने से यही चिल्ला रही है। आपने मेरा और मुख्यमंत्री का और बाकी के लोगों का कई इंटरव्यू देखा होगा, हमें लॉकडाउन नहीं करना है। अब देखिए हमने 24 घंटे में तो कुछ रिलैक्सेशन दे दिया जो हमें लगा कि नहीं इसे खोल सकते हैं, तो हमारी मानसिकता ये समझिए कि लॉकडाउन नहीं करना है, लेकिन साइमल्टेनियसली ये भी देखना है कि अगर इतने पेशेंट्स आते हैं तो आज हम जो है कहीं 500 बेड डेली ऐड कर रहे हैं हमारे जम्मू फैसिलिटीज में गवर्नमेंट के सुविधाओं में, तो ये भी तो ये हमें देखना होगा ना कि जो पेशेंट्स आएंगे। तो आपने देखा होगा कि इनिशियली दौर पे अमेरिका और लंदन और बाकी यूरोपियन कंट्रीज में क्या हुआ, पेशेंट्स गार्डन में पड़े रहे, पेशेंट्स जो है वो RG प्लॉट्स में पड़े रहे, पेशेंट्स जो है वो हॉस्पिटल्स के लेन में पड़े रहे, एम्बुलेंस मिलती नहीं थी, आज इतनी संख्या में बढ़ रही। तो हमें साइमल्टेनियसली तैयारी भी करना है, हमें जो है लॉकडाउन नहीं करना है। लॉकडाउन जो रहेगा वो लास्ट प्रयास होगा जब ऐसा लगेगा कि भाई अब बिल्कुल हाथ के बाहर कोई चीज चली गई है, हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और लोगों की जान जाने की बात आ रही है। ये स्तर में फिर बताना चाहता हूँ कि ये जो सेकेंड वेव के अंदर
ये इतनी जाने लोगों की नहीं ले रहा है। जैसे फर्स्ट वेव में काफी लोग इसमें जो है मर रहे थे, आज अगर आप देखेंगे तो ये 1% लोग भी इसमें लोगों की डेथ नहीं हुई। कुछ जिलों में ज्यादा इफेक्ट होगा उसको देखते हुए, आई एम टॉकिंग अबाउट दी जो रेशियो आज आ रहा है हमारे सामने। लेकिन फिर भी आज ये देखना है कि मुंबई शहर चलता रहे। मुंबई जो है एक लाइफ लाइन है, मुंबई को हमें इसलिए चलाना है क्योंकि रानी जी आपको ये समझना होगा, मुंबई चली तो देश चलेगा, क्योंकि मुंबई ऐसी आर्थिक राजधानी है, यहाँ से देश का 50% से ज्यादा रेवेन्यू जाता है। अगर मुंबई बंद हो गई तो देश बंद हो जाएगा, तो मुंबई को तो किसी ना किसी तरीके से हमें चलाना ही है और ताकत देना है। और आपसे यही मेरी गुजारिश है कि जितने सुनने वालों से कि ये 10-15 दिन हमें थोड़ा सा साथ दीजिए, थोड़ा सा कम निकलिए, जरूरत हो तो निकलिए, मास्क के बगैर मत निकलिए, दुकानें भी हम क्या क्या खोल सकते हैं खोलेंगे, जो कुछ बेस्ट कर सकते हैं मुंबई के लिए कहेंगे। 15 दिन में आप हमें साथ देंगे तो आने वाले 15 दिन नहीं, आने वाले जो 15 महीने वो आपके बेस्ट हो जाएंगे। इज इट वर्किंग नाइट कर्फ्यू प्लस वीकेंड लॉकडाउन, अब तक आपको क्या लगता है क्या ये काम कर रहा है? पीपल हैव टू थिंक ओवर, इट टेक्स एटलीस्ट अ डे और टू टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट इज एसओपी, व्हाट इज देयर गाइडलाइंस, देन द महानगरपालिका पीपल गो इनटू एक्शन, द कॉप्स गोस इनटू एक्शन, एंड देन स्लोली स्लोली द पीपल अंडरस्टैंड कि दिस दे हैव टू फॉलो एंड दिस दे डोंट हैव टू फॉलो। तो उसी तरीके से जब डेफिनेटली जब लोगों की संख्या कम होगी, लोगों का इंटरेक्शन कम होगा, तो केसेस डिप होंगे। इस तरीके से पहले फेज में भी इसी तरीके से हुआ था कि वो चेन टूटी थी। आप देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मनीषा जी आपको, लंदन आज भी लॉकडाउन में, फ्रांस फिर लॉकडाउन में जाना पड़ा, तीसरी बार लॉकडाउन किया। आप सोचिए कि महाराष्ट्र या मुंबई की सरकार बेटर नहीं कि एक लॉकडाउन के बाद हमने अभी तक का लॉकडाउन नहीं किया, हमने अभी तक का जो है काफी जो है दुकानों को और जो मकान शिफ्टिंग हो गए या डॉक्टर्स हो गए या एसेंशियल सर्विस हो गए और बसेस ट्रेन ये सारी चीजें चालू रखी, हमने पैनिक मोड में आने नहीं दिया, हमने फैक्ट्रीज चालू रखी है, हमने इंडस्ट्रीज चालू रखी है, रोजी रोजगार पे ज्यादा इफेक्ट नहीं हो ये हमने ध्यान में रखा। लेकिन साइमल्टेनियसली ये भी तो ध्यान में रखना पड़ेगा कि बाकी की चीज अगर सब खोल दिए जाएंगे तो फिर ये कंट्रोल के बाहर होगा। सो यू बिलीव दैट वंस द वैक्सीनेशन ड्राइव इज ओवर हम सुरक्षित होंगे, यू थिंक दैट वी विल हैव टू कीप गोइंग बैक ये नॉन लॉकडाउन लॉकडाउन मोड में, या फिर ये यहां पर समाप्त है? बिकॉज आई promise you our city can't take it anymore. The country cannot take it anymore and the world cannot take it anymore. Wherever the lockdown has been initiated, everywhere people have come down on the street, maybe America, maybe Europe, maybe whatever, whichever country if you go to see, Pakistan, Bangladesh, whichever. Some people are definitely going to get affected and they are going to come. But simultaneously, we have to think about the people's lives also. We have to see whether our systems are ready for all the patients which are going to come. आपने वैक्सीनेशन ले लिया? जी मैंने ले लिया, अगर मैं नहीं लेता तो लोगों में कॉन्फिडेंस कैसे आता? करेक्ट, एक लिया या दो? दोनों ले लिए? नहीं दूसरा अभी मेरा 13th को है, जो बूस्टर है 13th को। आपने लिया? नहीं अब तक मेरी वो उम्र ही नहीं हुई जहां मैं ले सकती हूँ। मगर यही तो मैं कह रहा हूँ केंद्र सरकार को कि जिनकी उम्र नहीं भी हुई है और जो लोगों की सेवाओं में लगे हुए हैं, जो लोगों के बीच में काम कर रहे हैं, चाहे वो रिपोर्टर्स हो, चाहे हमारे कैमरामैन हो, या चाहे जो फ्रंटलाइनर्स हो, अभी जो फ्रंटलाइनर को भी देने का काम था वो भी केंद्र सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं स्टॉप किया गया है। तो ये सारी चीजों को खोल दिया जा सकता है, जब वैक्सीनेशन का जो स्टॉक है वो हमारे लोगों के लिए उपलब्ध होगा तो ऑटोमेटिकली ये जो रिस्ट्रिक्शन है वो ज्यादा खुल जाएगी। आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? Of course, I know it'll be wear your masks and sanitize your hands and social distancing. Mumbai जैसे शहर में, महाराष्ट्र तो of course खैर है ही because we are here, but Mumbai जैसे शहर में practically what is possible? देखो ये जो मास्क की बात हो गई, social distancing की बात हो गई, ये तो लगभग लगभग हमने इतना बोल दिया और टेलीफोन के रिंगटोन ने इतना बता दिया है कि लोग अभी फोन करते हैं किसी को तो जी जी डाल गए हैं, उनको ऐसा लगता है कि पहले 2 मिनट फोन बाजू में रखें और उसके बाद में रिंगटोन आएगी। पॉइंट। एज ए मुंबई का पालक मंत्री, एज ए मुंबई की क्वीन, आपने लोगों से ये अपील करना चाहिए कि ये जो हमने रिस्ट्रिक्शन लाया है इसमें थोड़ा सा सरकार का साथ दो ताकि हम ये चेन तोड़ सके। जरूरत पड़े तो घर से निकलो, जरूरत हो तो कोई काम करे, वरना आपका इतना अच्छा घर है, आपका परिवार है, थोड़े घर वालों को भी टाइम दो। मनीषा जी जो लोग बेचारे मजबूर हैं, जिनका पेट पर हाथ है, वो क्या हाँ, वो बेचारे, उनके लिए हमने ये सारी चीजें खुली रखी है। हमने कोई कंस्ट्रक्शन साइट बंद नहीं की, हमने महानगर पालिका डिसिल्टिंग बंद नहीं किया, महानगर पालिका के जितने रोड और करवट से सारे बढ़ रहे उसको बंद नहीं किया। आप देखिए लार्ज नंबर्स के अंदर हमने वो सारी चीजें खुली रखी है।
हाउ डू वी गेट आवर पिटिशंस अक्रॉस टू यू? अब मैं अलग हूँ, मैं आपसे बात कर सकती हूँ, बट मेरे अलावा अगर लोगों को आपको जैसे आपने कहा सकारात्मक सजेशंस देने हैं और दे रियली इन ट्रबल, कैसे पहुंचे वो आप तक जहां पर यू नो? ये डेफिनेटली हमारे गवर्नमेंट की ईमेल आईडी है, एज ए गार्डियन मिनिस्टर मेरी भी आईडी है, मुख्यमंत्री की भी आईडी है, गवर्नमेंट की आईडी है, आप उसमें अपना मेल कर सकते हैं, वी डेफिनेटली गेट बैक द आंसर। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। गार्डियन एंजल्स जिसे बोलते हैं उनके पंख होते हैं, आप हमारे गार्डियन मिनिस्टर हैं, आपका मास्क दिखाइए मुझे, बस देखना है कि कैसे दिखता है। बस एकदम जो आपने जो पहना लगभग वैसा ही दिखता है। Thank you very much, Assam Sheikh Ji. I hope you'll be listening to Red FM 93.5, Mumbai's favorite radio station. Thank you. 93.5 Red FM. 93.5. बजाते रहो।